मुझे जब पता चला था तो थोड़ा यकीन भी नहीं आया था। आपका एक लेसन होता है जी $50 का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शुगर प्लम व्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरी वीडियो में। तो जी, आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जो लोग सोचते ही नहीं है जिसके बारे में यहाँ आने से पहले, यहाँ मतलब कनाडा आने से पहले ऑफकोर्स, तो ऐसी पांच चीजें बताऊंगी मैं आपको जो आपको जरूर विचार करनी चाहिए यहाँ आने से पहले, नहीं तो यहाँ आके बहुत दिक्कत होती है अभी। तो जो पहली चीज है, अभी बता दूं या थोड़ी बातें करूं पहले? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, हम भी बता देते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी पहली चीज है जिसको आपको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए या आने से पहले, वो है जी ये कि प्लीज ड्राइविंग सीख कर आना। अगर आप यहाँ आते हो, आपको बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। आपका एक लेसन होता है जी $50 का। $50 इंडिया के हिसाब से होते हैं 3,000 रुपीज, ठीक है? अगर आप यहाँ आए $50 एक लेसन पे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको एक लेसन में ही गाड़ी आ जाएगी, आपको कम से कम 3-4-5 लेसन, डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी सीखता है, बट मिनिमम 4-5 लेसन तो लेने ही पड़ते हैं सबको। तो आप 4-5 लेसन सीधा हिसाब लगा सकते हो कि 20-25 हज़ार आपके गए इंडिया के। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, प्लीज़ गाड़ी सीख कर आएँ। और भाइयों को तो आती है गाड़ी चलानी, बट मेरे को ये है कि यहाँ आकर जिनको आती है उनको भी सीखनी पड़ती है एक पॉइंट पे आके, क्योंकि यहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, ड्राइविंग रूल्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं यहाँ के। तो ये थी जी पहली टिप नंबर 1 कि प्लीज़ ड्राइविंग सीख कर आना इंडिया से ही। उसके बाद आती है जी टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है जी, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर का बहुत बड़ा रोल है। मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ भी नहीं करते हैं इंडिया में। मैंने आज तक नहीं किया था यहाँ आने से पहले, हमेशा पापा से पैसे लेके खरीदा था सामान जो खरीदना होता था। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ क्रेडिट की थोड़ी एक तो नॉलेज लेकर आना कि क्या होता है, कैसे करना होता है एंड एवरीथिंग, थोड़ी सी नॉलेज लेकर आना। और दूसरा, जब आप यहाँ आते हो तो क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी किस लिए है? अगर आपको कार लेनी है, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस देंगे, सब कुछ देंगे। अगर आपको घर बाय करना है फ्यूचर में, तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा। कोई भी बड़ी चीज़ लेनी है तो पहली चीज़ आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा। और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो आपका लोन कैंसिल कर देते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है बैंक वाले, तो फिर आप वहीं स्टक रह जाते हैं। और एक क्रेडिट स्कोर को ठीक करने में 1-2 साल भी लग सकते हैं अगर बहुत बुरा है क्रेडिट स्कोर। तो प्लीज़ इसकी थोड़ी नॉलेज लेकर आना कि कैसे क्या करना है, ठीक है समरिया? उसके बाद आते हैं जी टिप नंबर 3 पे। जो हमारी टिप नंबर 3 है वो ये होने वाली है, ये मुझे भी नहीं पता था और मुझे जब पता चला था तो थोड़ा यकीन भी नहीं आया था, वो है ये कि हमें लगता है कि हमने इंडिया में आईएलटीएस का एग्ज़ाम दे दिया जी, छुट्टी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आके आपको आईएलटीएस का एग्ज़ाम फिर से देना होता है। सबको नहीं देना, सबको देना होता है जिनको पीआर चाहिए। और ये नहीं कह रही कि आते ही देना होता है, बट जब आपकी स्टडी हो गई, वर्क परमिट आपका मिल गया, आपको आप उस प्रोसेस में चल रहे हो, जब आपको आपकी पीआर की फाइल लगानी है, तो आपको करनी पड़ती है जी आइल्स। यस, फिर से वो इम्तिहान देना पड़ता है। और फिर आपके स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका क्या स्कोर है, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो
डिपेंड करता है कि अगर आपका ज़्यादा स्कोर है तो कौन सी तरफ आपकी फाइल लगेगी, कम है तो कहाँ आपकी फाइल लगेगी, वो उस पर पूरी एक डिफरेंट वीडियो बन सकती है। बट मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि इस चीज़ से प्रिपेयर होके आना कि आईएलटीएस सिर्फ वहाँ नहीं देनी है, यहाँ आकर भी देनी है। चाहे अपने नोट्स साथ लेके आओ या वट एवर यू फील इज गुड फॉर यू, तो वो ज़रूर करना। ये थी हमारी टिप नंबर 3। उसके बाद आते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है जी टैक्स। अब हमारी जो टैक्स है उसका क्या होता है, बहुत लोगों को ये लगता है और वो माइंड में अपना मेकअप करके आते हैं कि हाँ जी अगर हमारा एक हफ्ते का जो पे है वो $600 आ रही है, दो हफ्ते की हमारी $1200 आ रही है $15 के हिसाब से, और जब उनका पे चेक हाथ में आता है तो वही $1000 $900, तो वो सोचते हैं कि भाई हमारे $200-$300 कहाँ गए। तो वो होते हैं जी आपकी टैक्स डिडक्शन होती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर आप $15 पे लगे हो तो आपके सारे वो मिला के जितने मिलेंगे आपको वो पैसे मिलेंगे, नहीं, कि हर पे चेक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करते हैं वो टैक्स, ठीक है। अब तो ये होगी टैक्स की बात, बट अब ऐसा होता है कि आपको टैक्स एंड ऑफ द ईयर जो आपने पूरे साल में भरा होता है वो वापस भी मिलता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को जो एज अ स्टूडेंट आए हैं और यहाँ पे टैक्स भर रहे हैं, वो टैक्स रिटर्न भरते हैं एवरी ईयर जनवरी या फरवरी में भरते हैं, एंड डेट उसकी कुछ मार्च होती है। तो आपको वो टैक्स रिटर्न की डेट भरनी है, फॉर्म भरना है, सॉरी डेट कह रही हूँ, फॉर्म भरना है ताकि आपको जितना हो सके पैसे वापस आए। अब इसमें एक लूप होल क्या है, गलती क्या है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो है जी ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो जॉब्स कर रहे हो, एक दिन में कर रहे हो एक रात में कर रहे हो, और आपके टैक्स कट रहे हैं, लेकिन एट द एंड जब आप अपने टैक्स रिटर्न के लिए वो फॉर्म फिल करते हो कि आपको पैसे वापस मिलें, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोनों टैक्स होते हैं वो कंबाइन कर देते हैं एक साथ, और इंस्टेड आपको वो दें पैसे वो आपसे और पैसे लेते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि हमें तो नहीं पता था कि आप दो जॉब्स कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए इन चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका प्लीज़ ध्यान रखना जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। यस, ये तो थी हमारी मेन 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 टिप्स। पांचवी टिप जो है हमारी, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आई वुड से कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अगर मुझे कोई बताता, कि प्लीज़ इंट्रोवर्ट मत रहना। जिनको इंट्रोवर्ट का मतलब नहीं पता, और मुझे सबको पता होगा, बट जिनको ज़्यादातर लोगों से बात करना नहीं पसंद होता है या खुद में ही रहना पसंद होता है, आई नो मैं किसी की नेचर नहीं चेंज कर सकती, आप भी किसी की नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि बोलना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, शर्माओ मत, कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आओ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ आके। तो ये थी जी मेरी 4-5 टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप इन पर थोड़ा सी तवज्जो देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं या फिर जो आने वाले हैं, ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है वीडियो, जिनको इन सब के बारे में नहीं पता था। तो हाँ जी, इसके साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो हाँ जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी याद से कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए वो घंटा दबा देना।